मैं आदरणीय डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी से आग्रह करूंगा कि आप सबको संबोधित करें। शुरू करें। मित्रों, लगभग अब तक 56 दिन तक गायब रहने के बाद अचानक शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो गई। अब यह सोचने वाली बात है कि जैसे ही कोर्ट ने ईडी के मामले में गिरफ्तारी का प्रिवेंशन हटाया गया, पहली बात, संदेश खाली के विषय पर महिलाओं के अत्याचार की कोई भी धारा, बलात्कार या बलात्कार के लिए प्रेरित करने की कोई भी धारा नहीं लगाई गई है। दूसरी बात, यह भी बहुत साफ हो गया कि जो पश्चिम बंगाल सरकार स्टैंड ले रही थी कि गिरफ्तारी पर रोक है, उसका संदेश खाली के गुनाहों से कोई लेना देना नहीं था। तीसरी बात, उन्होंने जो ईडी के विषय के ऊपर गिरफ्तारी की रोक हटने के बाद गिरफ्तार किया, तो मैं बहुत साफ पूछना चाहता हूं कि यदि आपने ईडी के विषय पर गिरफ्तार किया है तो पश्चिम बंगाल सरकार उन्हें ईडी को क्यों नहीं सौंप दे रही है? मतलब बहुत साफ है कि अभी तक इस बात को पूरे संदेह के साथ कहा जा सकता है, बल्कि पुख्ता संदेह के साथ कहा जा सकता है कि शाहजहां शेख महफूज ठिकाने पर ममता सरकार की दामने रहमत में कहीं पर महफूज था, और अब उसे दोबारा हिफाजत देने के लिए, ताकि वह ईडी और सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार न किया जा सके, वो पश्चिम बंगाल पुलिस की मेहमान नवाजी में चला गया है। ये मैं मेहमान नवाजी शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं, यदि आप लोगों ने तथा कथित गिरफ्तारी के समय उसकी भाव भंगिमा देखी हो, उसके चेहरे के भाव और बॉडी लैंग्वेज देखी हो, और पुलिस वालों की बॉडी लैंग्वेज देखी हो, क्या आपको लगता है कि जो कुछ बॉडी लैंग्वेज थी शाहजहां शेख की, वो किसी गुनहगार की थी या किसी अदाकार की लग रही थी? जिस स्टाइल से वो चल रहा है और जिस ढंग से पुलिस वाले उसके पीछे चल रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है, जैसे पुराने जमाने में कहा जाता था ना कि बा अदब बा मुलायजा होशियार शाहजहां साहब जलवा अफरोज हो रहे हैं, कहीं से नहीं लग रहा था कि बेबसी जरा भी उसके चेहरे पे है, खौफ जरा भी उसके चेहरे पे है, गिरफ्तारी का कोई भाव उसके चेहरे पे है, ऐसा लग रहा था कि वो बाकायदा जलवा अफरोज हो रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, कभी पुलिस गिरफ्तार करती है तो आपने देखा है कि वो पुलिस आगे चलती है कि गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति आगे चलता है? पुलिस आगे चलती है। यहां तो ऐसा लग रहा था पुलिस स्कॉट कर रही है, क्योंकि शाहजहां शेख जिस धमक के साथ आगे चल रहा था और पुलिस वाले जिस ढंग से कंधे झुकाए हुए पीछे चल रहे थे, यह मैं इसलिए कह रहा हूं, यह संदेश खाली का संदेश पूरे भारत के लिए और पूरे समाज के लिए बहुत साफ है। उससे बड़ी आपत्ति हमारा साफ साफ पूछना यह है कि जिसको ममता जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिफेंड किया, वो अचानक पुलिस के द्वारा एक लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए, यानी अभी तक उसे सेकुलर प्रोटेक्शन प्राप्त था, अब उसे लीगल प्रोटेक्शन प्राप्त हुआ है। हम बहुत स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और इंडी गठबंधन दोनों जवाब दें कि शाहजहां शेख जो विक्ट्री साइन दिखा रहा था, इसका क्या मतलब है? किस बात की विक्ट्री? महिलाओं के ऊपर अत्याचार, दमन, उत्पीड़न, बलात्कार के द्वारा उनकी जमीनें कब्जाए जाने को विजय बताना, ये वही बात है। महिलाओं पर यातना और अत्याचार को विजय का प्रतीक बनाना, ये मध्यकालीन मुगलिया मानसिकता का प्रतीक है, और 21वीं सदी में शाहजहां शेख और ममता बनर्जी की सरकार उसी को आज एक रूप में सामने दिखाई दे रही है। इसलिए हम बहुत स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं कि टेक्निकल सवाल हमारा यह है
कि यदि ईडी के हमले के लिए पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो ईडी को हैंडओवर क्यों नहीं कर रहे। सेकंड सवाल हमारा टेक्निकल ये है कि महिलाओं पे उत्पीड़न और बलात्कार की धाराएं क्यों नहीं लगाई गई। और तीसरा सवाल यह है कि जब कैमरे के सामने उसका इतना जलवा दिख रहा है तो जेल में वो किस जलाल के साथ रह रहा होगा या रहेगा, इसका हमें सहज अनुमान लगाया जा सकता है। और चौथा नैतिक और राजनैतिक सवाल यह है कि उस विक्ट्री साइन का क्या कहना है। और मात्र इतनी ही बात नहीं है, आप देख रहे हैं कि मोदी जी के प्रति ईर्ष्या और वैमनस्य में किस सीमा तक इंडी गठबंधन के लोग गिरते जा रहे हैं कि आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद जी इस सीमा तक बोल देते हैं कि पाकिस्तान बीजेपी का दुश्मन है, हमारा नहीं है। यह बोलने का भाव क्या है? और मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये बीके हरिप्रसाद जी का या कांग्रेस के किसी नेता का जुबान से फिसला हुआ बयान नहीं है। मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर्स, बोथ वर द फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर एंड सलमान खुर्शीद जी वर द फॉर्मर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, जाके ये कहे थे ना कि पाकिस्तान में जाके कहे थे कि मोदी जी को हटाना है तो मदद करिए। राहुल गांधी जी के बयान को पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में भारत सरकार के खिलाफ प्रयोग किया था। इमरान खान ने बतौर प्राइम मिनिस्टर, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे पंजाब में, सिद्धू की तरफ इशारा करते हुए रैली में बोला था कि जब तक ये सरकार रहेगी तब तक हमारे हालात नहीं सुधरेंगे, जब आप लोग आएंगे तभी हमसे संबंध बेहतर होंगे। हाफिज को साहब किसने बोला था? कांग्रेस के नेता ने। और हाफिज सईद का वो वीडियो अवेलेबल है जिसमें वो कहता है कि भारत में सिर्फ बीजेपी जैसे खराब लोग नहीं है। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी ने तो ऐलान कर दिया है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ जो कर रहे हैं वो बंद करिए, कोट अनकोट। तो साहब, ये प्यार का इकरार दो तरफा है। इसलिए मैं बहुत साफ पूछना चाहता हूं, एक तरफ आप अपराधी आतंकवादी तत्वों को समर्थन दे रहे हैं और दूसरी तरफ खुलेआम ये बयान दे रहे हैं, तो इंडी गठबंधन और राहुल गांधी जी से हम ये पूछना चाहते हैं कि मोहब्बत की दुकान में पाकिस्तान के लिए इतनी मोहब्बत क्यों नजर आ रही है। और ये फिर मैं बोल रहा हूं, अगेन आई एम कोटिंग विद द रेफरेंस, बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 में भारत की यात्रा के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की वार्ता के आधार पर लिखा था कि 2008 में 26/11 के हमले के बाद भारत की सेना एक कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार थी। और उस समय रॉय आईबी के चीफ थे जिन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था इस बात पर, चूंकि लगातार संकेत दिए गए थे कि ऐसा होने वाला है। परंतु उसके बावजूद बकौल बराक ओबामा, अगर कांग्रेस को आपत्ति है तो बराक ओबामा पे जाके मुकदमा कर दे, बकौल बराक ओबामा डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने इसलिए निर्णय नहीं लिया कि पाकिस्तान के खिलाफ हुई किसी भी कार्रवाई से बीजेपी को फायदा न हो जाए। यानी हमारे सैकड़ों लोग मारे गए, हमारे सिपाही मारे गए, तुकाराम आमले को तो याद है, हाथ में वो पकड़ते हुए गोली लग गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। सियासत के तराजू पे तौलना है, चाहे पीड़ित महिलाओं का दर्द हो, आदिवासी महिलाओं का दर्द हो संदेश खाली में, दलित महिलाओं का दर्द हो, वो पहले तराजू पे, सियासत के तराजू पे तौला जाता है कि कौन सा वोट बैंक तगड़ा वाला है, फिर उसके आधार पे बोला जाता है। और फिर चाहे देश की सुरक्षा हो या देश का आत्मसम्मान हो, उसको भी उसी प्रकार से राजनीति के तराजू पे तौला जाता है। और आपने वो भी देखा होगा कि डीएम माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसका उल्लेख किया है कि तमिलनाडु की सरकार ने चीन का मिसाइल, चीनी फ्लैग। अब बताइए, चीन के साथ करार तो सुना था, डोकलाम में चीन के साथ लंच और डिनर तो सुना था, अब यही कसर रह गई थी कि इंडी गठबंधन की सरकारों में मिसाइल पे चीन का झंडा नजर आएगा। मगर आप आश्वस्त रहिए कि भारत की जनता इस हर एक चीज को, भारत की यह विवेकपूर्ण जनता हर एक चीज को बहुत गंभीरता से देख रही है और इसका समुचित प्रत्युत्तर देगी। महिलाओं के उत्पीड़न का माकूल जवाब मिलेगा,
पाकिस्तान से प्रेम का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा और चीन के झंडे का बिल्कुल एप्रोप्रिएट रिप्लाई इस गठबंधन की सरकार को मिलेगा। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये वही डीएमके की सरकार है जिसके डिफैक्टो नंबर टू मिनिस्टर इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म के समूल नाश की कॉन्फ्रेंस करते हैं, बयान नहीं अभियान की बात करते हैं, वही चीन का मिसाइल दिखाते हैं और चीनी झंडा उनके कार्यक्रमों में दिखाया जाता। इस प्रकार की मीडिया में रिपोर्ट्स हैं और इस प्रकार के चित्र बहुत स्पष्ट रूप से उपस्थित हैं और आज तक अभी तक डीएमके की सरकार ने न इसके लिए माफी मांगी है, न सफाई दी है, न इसका कोई खंडन किया है। इसलिए हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि ज्यो-ज्यो समय आगे बढ़ता जा रहा है, इंडी गठबंधन के दलों की भारत भारतीय समाज के प्रति असंवेदनशीलता और हकारत उभर कर उत्तरोत्तर सामने आती चली जा रही है। धन्यवाद। यही तो पॉइंट कह रहे हैं, अगर उन्होंने ईडी के प्रिटेक्स पे अरेस्ट किया है तो इट इज इनकम्बेंट ऑन द पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू हैंड इट ओवर टू ईडी। क्या मजाक की बात है, मतलब क्या पुलिस ये कहेगी कि अब ईडी ने, अब तो बरामद हो गया ना, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पोजीशन है वो क्या है? मतलब देयर आर टू थिंग्स, इट मींस द वेस्ट बंगाल पुलिस इज सेइंग दैट वी विल प्रिवेंट हिम टू बी अरेस्टेड बाय ईडी। क्लियर है, इसका मतलब साफ हो गया ना। अभी तक वो पोशीदा था, महफूज था, दामने रहमत में था, अब मेहमान नवाजी में आ गया है। कल तो एक सीट हार गए और इतना ही नहीं साहब, उस हार में एक इंपॉर्टेंट बात आप देखिए, 36 वोट चाहिए होते थे एक सीट निकालने के लिए, ठीक है, कह रहे हैं कि हमने हरवा दिया। जया बच्चन जी को 41 वोट दिए, भाई आपके पास कुल 108 वोट हैं, दो विधायक आपके आ नहीं सकते थे, आपके 106 वोट थे, आपको सबको 35-36 बांट देने चाहिए थे, 36 पे जीतते थे। जया बच्चन जी को 41, ये 5 वोट फालतू क्यों दिए भाई? फिर रामजीलाल सुमन जी को 40, 4 वोट फालतू, अब तो तीसरा हार नहीं आना है। मतलब जिस समय उन्होंने वोट बांटे हैं उसी समय उन्होंने अपनी शिकस्त का एहतराम यानी पराजय की स्वीकारोक्ति कर ली थी। और यहां पे मैं एक और ऑन द लाइटर नोट कहना चाहता हूं, ये जब से राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू की है, और अब मैं इसको व्यंग में नहीं, मैं गंभीरता से कहना चाहूंगा, ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लेकर जो उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की है उसके बाद से हो क्या रहा है? वो जिस राज्य में जाते हैं वहीं तबाही का मंजर हो जाता है। मतलब गुवाहाटी से शुरू किए तो चौपाटी में देवड़ा जी ने पार्टी छोड़ दी, वो बंगाल पहुंचे तो ममता जी ने मुंह मोड़ लिया, वो झारखंड पहुंचे तो सरकार तो बच गई, मुख्यमंत्री जी चले गए, वो बिहार पहुंचे तो इसके सूत्रधार उनको मझधार में छोड़ के चले गए नीतीश कुमार जी, वो उत्तर प्रदेश पहुंचे तो आरएलडी ने छोड़ दिया, और भाई साहब सपा से गठबंधन किया और सपा गड़बड़ा गई। मुझे लगता है इस बात पे बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए कि ये हो क्या रहा है, और उसके बाद उनको लग रहा है कि यात्रा बहुत सफल है। तो इस पे मुझे वो पंक्ति याद आती है कि बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। देखिए हिमाचल में जो हुआ है वो बहुत गंभीर बात है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार जिन झूठे वादों और छल प्रपंचों के आधार पे आई थी उससे अब हिमाचल की जनता पूरी तरह त्रस्त हो गई है। मैं उदाहरण के साथ बोलना चाहता हूं, हिमाचल में इन लोगों ने
यह कहा था कि आने के साथ ही पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर देंगे और एक हफ्ते के अंदर दाम बढ़ाए, फिर दोबारा दाम बढ़ाए और जिस प्रकार की अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और अन्य चीजें दिखाई पड़ रही हैं, तो जो विधायकों ने निर्णय लिया वो विधायकों का निर्णय नहीं है, वो जनता की बेबसी है, जनता का आक्रोश है। और उनके सबसे बड़े नेता तो टीवी के सामने उनकी आंखों से आंसू आ गए। क्या इसके लिए भी कोई वो हमसे कुछ कहना चाहता है? मेरा मानना फिर है कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि यदि आप 40 और 25 में, जबकि आपके पास प्रैक्टिकली समर्थन 45-46 का था, उसके बावजूद आपकी ये स्थिति होती है और फिर जिस तरीके से उन्होंने हमारे विधायकों को बाहर किया वो एक अलग विषय है, परंतु हिमाचल में जो हुआ है वो कांग्रेस के उस असली चेहरे को बेनकाब करता है। जब उनके अत्यंत वरिष्ठ मंत्री के आंखों में आंसू हैं, वो आंसू सिर्फ वो नहीं है, वो हिमाचल की जनता की आंखों में आंसू हैं और जो विधायकों ने किया है उस दबाव और उसके प्रभाव में किया है। देखिए, ये विषय पे मेरे विचार से जो निर्णय है, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जब सदन की कार्यवाही भी नहीं शुरू हुई थी, उससे पहले ही यदि विधायकों को बाहर किया गया, मुझे लगता है ये दर्शा रहा है कि कांग्रेस की सरकार यह समझ गई है कि अब विधानसभा के पटल के ऊपर भी उनकी स्थिति, जो नैतिक दृष्टि से वो कमजोर हो गए थे, अब संवैधानिक दृष्टि से भी वो कमजोर स्थिति में आ गए हैं। ये निर्णय इसका प्रतीक है। देखिए, जो उन्होंने कहा बहुत दुखद बात है कि धर्म की बात उनको शाहजहां शेख के बचाव के लिए याद आती है। जितना घोर अधर्म इस समय पश्चिम बंगाल में हो रहा है, मेरे विचार से ये समकालीन भारतीय राजनीति में बहुत रेयर एग्जाम्पल है। और मैं पुनः कहना चाहता हूं, तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और इंडी गठबंधन से ये कट्टरपंथी ताकतों के साथ समझौता करके केवल शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स को देखना देश के लिए बहुत घातक होता है। 25-30 साल बाद उसका क्या परिणाम होगा समझिए। मैं इतिहास के उदाहरण से बनाना चाहता हूं। 1916 में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग मान ली थी जिन्ना के दबाव में, और सोचा था कि इससे फिलहाल मामला टल गया। 30 साल बाद वही इलाके पाकिस्तान बने। तो आज ममता जी जो कर रही हैं, आपको चिंता नहीं है कि 25 साल बाद 20 साल बाद देश का क्या होगा, हमें चिंता है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो यह कहा है कि अमृत काल में जो हम कार्य कर रहे हैं और देश की जनता को मिलकर जो कार्य करना है वो 1000 साल के आगे के भारत का आधार बताएगा। तो हमें 20-25 साल नहीं, 1000 साल आगे के भारत की भी चिंता है और 10000 साल पुराने भारत की भी चिंता है। इनको सिर्फ एक चुनाव और दो चुनाव में जीत की चिंता है, उसके बाद चाहे देश का कुछ भी हो। इतिहास गवाह है, इन पार्टियों की फितरत ने देश को इस तरीके की समस्याओं में पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद।